नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट द्वितीय वर्ष को लेकर। और गेट द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। साथियों, इस बारे में आज का जो हमारा इकाई द्वितीय है वो है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधनों को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन कौन कौन से को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या है। विज्ञान क्लब के उद्देश्य, अब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि विज्ञान क्लब में क्लब की क्या उद्देश्य है। जैसे भारत, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी अध्ययन किया है। साथ में हमने ये भी चर्चा की है कि विज्ञान क्लब क्यों आवश्यक है और सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने इस बात पर पूर्ण जोर क्यों दिया है और विज्ञान क्लब की स्थापना, उसके संगठन के महत्व को क्यों प्रतिपादित किया है, उसको क्यों इतना महत्व देते हुए इसको स्थापना के लिए हमें प्रेरित किया है, तो उसके पीछे उनके विज्ञान विषय के प्रति क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने हम इस प्रकरण में उद्देश्य करेंगे, इस उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे पहला जो प्रकरण है, प्रकरण का जो सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है शिक्षक एवं छात्रों में, शिक्षक एवं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए एक साइंटिफिक, हाँ, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण कैसा होगा, क्योंकि बिना किसी अंधविश्वासों या बिना किसी ऐसी बातों जिसके पीछे कोई तर्क नहीं हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो, उन बातों को कैसे हम मान लें और उसे बिना किसी तर्क की कसौटी पर कैसे उसको कैसे मान लें। तो छात्रों और शिक्षक दोनों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरे नंबर पे वो है विज्ञान में रुचि जागृत करना और इससे संबंधित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। विज्ञान जैसे विषय में रुचि को जागृत करना इस विज्ञान क्लब का मुख्य उद्देश्य है। साथ में विज्ञान विषय विषय के प्रति तथा विज्ञान विषय से जुड़ी हुई अन्य बातों में रुचि जागृत करना भी इस विज्ञान क्लब का महत्व है। एक बार अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समक्ष है तीसरे नंबर पे, छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत को डालना या बढ़ावा देना। भाई, छात्र जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे छात्रों का मुख्य कार्य को पढ़ाई करना ही है, विद्या अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने भविष्य को तैयार करना है, उनका मुख्य उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य उनका मुख्य उद्देश्य है, तो उस छात्र अपने अध्ययन में किस प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करें। चाहे वो वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमें अपेक्षा से अधिक परिणामों की उपलब्धता प्राप्त होती है। बात बिल्कुल सही है, चाहे वो भवन निर्माण की बात हो, चाहे किसी कार्य करने के लिए इसको कार्य करने को लेकर हो, या फिर खेती करने की बात हो, कृषि करने की बात हो, पशुपालन हो या अन्य भी व्यवसाय हो, उसमें आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को काम में लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समक्ष है वो है
अवकाश के समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है कि मान लीजिए छात्रों जब एग्जाम का करीब आता है तो हम लोग पढ़ाई करने के लिए इतना समय व्यय करते हैं, लेकिन उस दौरान जब हमारे पास समय होता है या फिर अवकाश मिल जाता है या अवकाश होता है, चाहे वो विद्यालय से हो चाहे हमारे व्यवसाय से हो, हमें अवकाश की प्राप्ति होती है, तो ऐसे समय को हम बिना उसमें वक्त जाया किए, बिना वक्त कमाए हम उसके समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका प्रबंधन किस प्रकार करें, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें कि उस समय का सदुपयोग भी हो और निर्धारित समय पर हमें अपेक्षा से अधिक अच्छे परिणामों का लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए हमें अवकाश के समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला बिंदु हमारे समक्ष है विद्यार्थियों की रुचियों एवं क्षमताओं को जागृत करना। विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन सी रुचियां हैं, ऐसी रुचियों को जागृत करना। विद्यार्थियों की रुचि मतलब अपने शिक्षण के प्रति, अपने विषय के प्रति रुचि जो है जागृत तो करना ही है, साथ में उनमें क्षमताओं को एप्टीट्यूड जागृत करना है, तो वो कार्य भी विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है और महत्वपूर्ण भी है वो बिंदु है अपनी रचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शक्तियों के स्वाभाविक उपयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना। उचित अपनी रचनात्मक साथियों ये बात थोड़ी सी समझने में कठिन अवश्य है लेकिन महत्वपूर्ण भी है, वो इसलिए है कि हर बालक जन्म से ही सृजनशील होता है, क्रिएटिव होता है, हर व्यक्ति में टैलेंट होता है, क्रिएटिव होता है, एक क्रिएटिव सोच को लिए हुए होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर चीज को अन्वेषण करता है, हर विखंड एक छोटे छोटे अंशों को जोड़ते हुए किसी परिकल्पना का निर्माण करता है, वो चीज़ों का अन्वेषण करता है, और उस अन्वेषण के पीछे धारणा क्यों बनी है, उस धारणा के पीछे उस सिद्धांतों के बारे में जानकारी हासिल करने का कार्य करता है, और उसे वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा उसे ही हम विज्ञान का एक आधार बनता है। तो क्या होता है कि अपनी रचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शक्तियों के स्वाभाविक उपयोग कि जो बालकों में सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, जो रचनात्मक शक्तियाँ हैं, रचनात्मक शक्तियाँ बन शक्तियाँ हैं, उनको उचित अवसर प्रदान करना ताकि वो अपने इस रचनात्मक वाले कार्य में एक उत्साह के साथ आगे बढ़ सके, तो इसके लिए हमें उन्हें उचित अवसर तो प्रदान करना ही है, साथ में हमें उन्हें बढ़ावा भी देना है। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है वो बिंदु है दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता करना। छात्रों को विज्ञान क्लब के द्वारा ये भी उद्देश्य को पूरित किया जाता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या महत्व है। हम सभी के जीवन में, दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान का महत्व किस प्रकार से है। आज हम इतनी सुख सुविधाओं को जी रहे हैं, इतने ग्लैमर्स को जी रहे हैं, फैशन को जी रहे हैं, या 2020 की लाइफ जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हमने ऐसे कौन कौन से आविष्कार किए हैं, इन्वेंशन किए हैं, या हमने ऐसे रिसर्च किए हैं जिनके माध्यम से हम उन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग है। और ये बड़ी बात है, सभी लोग जानते हैं कि आज आप सबसे बड़ी बात कि आज आप इतने दूर दूर से बैठे हैं और इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आप अपनी पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ व्याख्यान आप सभी के तक पहुंच रहा है, ये विज्ञान का दैनिक उपयोग ही आता है। और पहले ऐसी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, एक औपचारिक शिक्षण किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आप अपने कमरे में, अपने रूम पर या कहीं भी बैठे बैठे इस कक्षा कक्षीय वातावरण से आप जुड़ पा रहे हैं। तो साथियों ये मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि
विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति का अंतर है। तो साथियों अगला बिंदु हमारे सामने है, विज्ञान क्लब छात्रों को चार विज्ञान क्लब छात्रों को चार मॉडल एवं रेखा चित्र आदि बनाने के अवसर प्रदान करता है और उन्हें भाई विज्ञान क्लब जो होता है वो छात्रों को चार्ट बनाने का अवसर प्रदान करता है, मॉडल बनाने का अवसर प्रदान करता है और रेखा चित्र डायग्राम बनाने का अवसर प्रदान करता है और साथ में विज्ञान क्लब ये भी सहायता करता है कि उन बने हुए जो एक चार्ट मॉडल या जो रेखा चित्र डायग्राम है उसको विज्ञान क्लब में या विज्ञान मेले साइंस फेयर्स में, साइंस फेयर में या फिर विज्ञान प्रदर्शनी एक साइंस एग्जीब्यूशन में एक प्रदर्शनी के तौर पर लगाता है और उसको वहां पर डिस्प्ले करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक अगला बिंदु हमारे सामने है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से एक इंडिविजुअली छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअली व्यवहारिक एक बिहेवियर सामाजिक सोशल एंड वैज्ञानिक विचार वाला एक साइंटिफिक थॉट वाला मैं आपकी नाम वैज्ञानिक विचार वाला युक्त बनाना है। एक तो उनको साइंटिफिक विचारधारा वाला बनाना है, साथ में सोशल बनाना है, सामाजिक बनाना है और एक उनकी जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। तो इस बारे में उनको विज्ञान क्लब जो साइंस क्लब है विज्ञान क्लब है वो सहायता प्रदान करता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो दसवां है, अन्य विज्ञान विषयों की क्रियाओं तथा सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना। विज्ञान क्लब अपने सदस्यों का विज्ञान क्लब अपने सदस्यों का विज्ञान क्लब अपने सदस्यों का क्या करता है, अन्य विज्ञान परिषद अन्य जो साइंस काउंसिल होती है साइंटिफिक काउंसिल होती है उसकी सूचनाएं को देगा ही देगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि उनके द्वारा नई रिसर्च किस प्रकार की जा रही है या किस प्रकार से नई इन्वेंशन की और ध्यान दिया जा रहा है या फिर किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं इसके बारे में सूचनाएं इंफॉर्मेशन देगा। साथ में उनकी जो एक्टिविटीज हैं उस साइंस काउंसिल में किस प्रकार की एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी अपने सदस्यों को देता है। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो बिंदु है छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान कर। छात्रों को अगला जो बिंदु है हमारे सामने वो है कि जो विज्ञान क्लब है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वयं कार्य करने का करने के अवसर प्रदान करता है। साइंस क्लब ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे बालक स्वयं कार्य करके सीख सके और साथ में परिश्रम के प्रति उनको निष्ठावान बनाता है कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना अति आवश्यक है, हार्ड वर्क करना अति आवश्यक है। जो अगला बिंदु हमारे सामने है वो है छात्रों को अध्यापक के निकट संपर्क में लाने का अवसर प्रदान करता है। पहले जमाने में छात्रों को क्या होता था कि अध्यापक और बालकों में एक दूरियां एक गैप कह सकते हैं वो था और वर्तमान में जो नई पद्धति शिक्षा पद्धति लागू हुई है वो NCF की है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इन सब के माध्यम से उन्होंने वो सबसे बड़ी बात कि बालक केंद्रित जो शिक्षा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बालक केंद्रित शिक्षा ने ये इन दोनों अध्यापक विद्यार्थियों को एक संपर्क मिलाने का अवसर प्रदान किया है जिससे छात्र क्या है अध्यापक को बिना किसी झिझक के बिना किसी हेजिटेशन के उनके अध्यापक से अपनी बात एवं अपनी समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में
अगला जो बिंदु है छात्रों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करना। अगला जो बिंदु है कि विज्ञान क्लब ये भी सहायता करता है कि छात्रों को नेतृत्व लीडरशिप के अवसर प्रदान कराता है, जिससे क्या होगा, लीडरशिप के अवसर प्रदान करने से क्या होगा कि छात्र अपने भविष्य में, अपने आने वाले जीवन में, आने वाले जीवन में जो उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं या ऐसी समस्याएं जिनसे उनको रूबरू होना पड़ेगा, तो उसके लिए वो तैयार रहेंगे, ताकि ऐसी सभी समस्याओं से उन्हें जूझने के लिए विज्ञान क्लब तैयार करता है, तो उनके भविष्य में, उनके भविष्य से जुड़ी हुई कुछ, मतलब अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई है, भविष्य से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्याएं इस तरह से आती हैं, तो साइंस क्लब उनके लिए उस परिवेश को, उस एनवायरमेंट को क्रिएट करता है और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करता है। और अंत में जो हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु है और वो ये है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति, छात्रों में पर्यावरण के प्रति रुचि जागृत करना। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आज हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन की जो समस्याएं हैं हमारे इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आज शुद्ध वायु, वातावरण, ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, पर्यावरण खतरे में है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक इको फ्रेंडली बनाने का कार्य और उस ढंग एवं सोच एवं विचारधारा के प्रति उनको उस रास्ते को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है विज्ञान क्लब के द्वारा। तो जब से आपने सोचा होगा साथियों यह पढ़ा होगा भोपाल कैसे रास्ती हुई थी, तो तब से लेकर सभी शिक्षण संस्थाओं में पर्यावरण विषय को लागू कर दिया गया और इसके अध्ययन को लेकर ये जानकारी दी गई कि पर्यावरण विषय को हर शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य बना दिया गया। आप लोग भी पढ़ रहे हैं पर्यावरण विषय को, उसके अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते हैं कि ऐसी समस्या हमारे देश में फिर से ना आए, जिसके लिए हमें हमारे युवाओं को एक पर्यावरण के प्रति जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।